नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है कि चुनावी रण जो है सिर चढ़ के बोल रहा है और जो है गांव के अंदर जो डोर टू डोर दौरे भी चल रहे हैं, वहीं पे आज हम मौजूद हैं बुआना गांव के अंदर। यहां से जो कैंडिडेट है मूर्ति देवी, जो कि पेशे से टीचर रही है और लगातार उन्होंने 26 साल गांव के अंदर ही यहां पे सर्विस भी की है, और आज उनके जो बेटे हैं सुपुत्र हैं उनसे हम बात करेंगे क्योंकि जो है डोर टू डोर कैंपेन के अंदर अहम भूमिका निभा रहे हैं। सर नमस्कार, स्वागत हमारे चैनल पर। आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, सबका स्वागत। सबसे पहले सर, आपने जैसे पीछे भी हम आए थे आपके गांव में, तो आपके गांव के अंदर आपको किस तरह का माहौल नज़र आ रहा है और किस तरह का प्यार आपको मिल रहा है? 36 बिरादरी का भरपूर सहयोग मिल रहा है और बड़े बढ़ चढ़ के लोग उत्साह से और बड़े दृढ़ निश्चय के साथ गाँव के विकास को मद्देनजर रखते हुए सबसे प्रबल दावेदारी हमारी माता श्री मूर्ति देवी की है। बात करें विकास की, जैसे अभी हम रास्ते से आ रहे थे, रोड आपका काफ़ी टूटा फूटा है, चारों तरफ पानी का भराव है, तो इस समस्या को आप किस तरह से निपटाएंगे? जल भराव की समस्या मेरे पड़ोसी गांव जैसे बराड़खेड़ा, बुआना, इधर खरेटी, काफ़ी गांव में यहाँ जल भराव, बल्कि पूरा विधानसभा क्षेत्र जुलाना में ही काफ़ी जल भराव रहता है, और इसके लिए स्पेशल पाइपलाइन की व्यवस्था प्रशासन की मदद से ताकि पानी की निकासी हो सके। ये तो बारिश का पानी है, साथ साथ गांव का जो गंदा पानी है उसके लिए नालों की भी समुचित व्यवस्था गांव में नहीं है। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं गांव की, वह जैसे शिक्षा है, खेल है, स्वास्थ्य है, परिवहन के साधन हैं, बिजली है, पीने योग्य स्वच्छ पानी है, तो इन सब की विकास को मद्देनजर रखते हुए और सबसे प्रेफरेंस जो हमारी इसी काम के प्रति रहेगी। बात करें जैसे कि खिलाड़ियों की या युवाओं की, तो उनके लिए आप क्या मुद्दे लेके चलेंगे? खिलाड़ियों के लिए जैसे सरकार ने पहले भी ग्रांट दी थी, हमारे खेल स्टेडियम परिसर बनाया हुआ है 6 एकड़ के अंदर, तो अभी वह अधूरा है, तो उसको हम मुकम्मल कराएंगे और खेल संबंधी जितनी भी फैकल्टीज या जितनी भी सुविधाएँ होंगी वो सारी हम मुहैया कराने का काम करेंगे और प्रथम स्थान पर हम खेल और शिक्षा को रखेंगे। जैसे कि पीने के पानी की भी यहाँ पे जो है अच्छा नहीं है, जिस तरह से बताया गया है, या आसपास के गांव देखे हैं प्रॉपर, यह तो नहीं देखा कि बाहर से पानी लाते हैं इस तरह कुछ, तो इसको लेके क्या आप लेके चलेंगे? पीने के पानी की जैसे हमारे गांव में वाटर सप्लाई की सुविधा है, लोगों ने आरओ वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन प्रशासन के पास जाके हम नीचे के बोरवेल की यहाँ गाँव में पीने का, ताकि स्वस्थ पानी मिल सके, तो नीचे के बोरवेल की लगा के इस पानी का जो समस्या समाधान है उसको दूर कराएंगे। आपकी तरफ से जो पहले कलम से जो काम होगा वो क्या रहेगा? सबसे पहले पानी पीने योग्य, गांव के गंदे पानी की निकासी, खेल और शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन, और बेटी जो पढ़ने जाती हैं, बहनें जो पढ़ने जाती हैं स्कूल में, उनके लिए परिवहन की सबसे पहले सुविधा इस गांव में हम देने का काम करेंगे। आपके गांव में जिस तरह से आपने अभी बातें तो बहुत बता दी, लेकिन क्या होता है, इलेक्शन जीत गए, प्यार आपको मिल गया, जनता ने आपको सरपंच बना दिया, आप उसके बाद वादे भूल जाते हैं, तो इसको इसके बारे में क्या है आपके विचार है? बिल्कुल आपकी बात सही है कि चुनावी जुमले भी लोग कहते हैं और वादे भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन हमारा इलेक्शन लड़ने का एक ही मकसद है। जितने भी गाँव में कैंडिडेट खड़े हुए हैं सारे हमारे भाई हैं, गांव के हैं, एक दूसरे का हम सम्मान करते हैं, कोई हमारे दुश्मन थोड़ी, ये तो चुनावी रण है, भाई हम आपस में, और उन सब से ज़्यादा हम इसी बात के लिए गांव में इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वह गांव का काम करा सकते हैं तो ये करा सकते हैं, ये कैंडिडेट करा सकता है, तो मतलब 1% भी हम कोई ज़्यादा चुनावी जुमला भी नहीं कहेंगे, जो काम पूरे करने योग्य हैं, जिसके प्रति हम पूरा समर्पण त्याग करके चाहे 10 पैसे हमारी जेब से भी लग जाओ, तो सबसे पहली दावेदारी जो हम काम बोल रहे हैं, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे बिजली है, चाहे पीने योग्य पानी है, चाहे गंदे पानी की निकासी है, सबसे पहले खेलों को बढ़ावा है, ये काम हम सबसे पहले करेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि गांव के अंदर एक आपसी भाईचारा होता है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े भी होते हैं, लेकिन इलेक्शन का जो दौर आता है उसमें कई कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन तो थोड़े दिन के, मौका मिलता है, आप जीत गए वो हार गए,
विकास के कार्यों में किसी तरह का भेदभाव रहेगा? ऐसा है, देखो जनता का जो आदेश होता है, प्रतिनिधि जनता ही तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। रही बात जीत और हार की, जीतना तो इसी गांव का कोई न कोई एक कैंडिडेट है और सब अपने दावेदारी जताने के हैं, क्यों प्रजातंत्र है, सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। वे हम जीतेंगे ना जीतेंगे कोशिश करना हर इंसान का फर्ज है। वे जीतते ही पहली कलम से ये काम, और दूसरे भाइयों का, जितने भी प्रतिनिधि दूसरे भाई खड़े हैं, उनका सबका सहयोग, चाहे वो काम की गांव की किसी भी समस्या के बारे में है, सबका सहयोग करेंगे। ये तो चुनावी रण है, 10 दिन का खेल है, किसी से कोई मनमुटाव नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल सार्थकता और प्रेम से इस काम को हम पूरा करेंगे। आपका कहना है कि आप भाईचारा कायम रखेंगे? कायम रखेंगे बिल्कुल। तो अभी हमने बात की यहाँ पे जो सुधीर भाई हैं उनसे, और यहाँ पे कुछ बुजुर्ग साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। जो सुधीर भाई का परिवार है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आज हमारा जो परिवार है वो इकट्ठा हुआ, दादा सही राम का परिवार के नाम से हम जाने जाते हैं। तो जो मैडम जी हैं, श्रीमती मूर्ति जी, हमने सब ने सलाह करी, विचार किया और ये पाया भाई जो भी कैंडिडेट और भी हैं वो भी हमारे साथ गांव के ही हैं, कोई चाचा है कोई ताऊ भाई ही हैं, लेकिन जब परख्या तो सबसे योग्य हमें श्रीमती मूर्ति जी लगी, और हमने पूरे परिवार ने इकट्ठा होके आज तन मन धन सिंह का समर्थन किया है। इनको विजयी बनाएंगे और उम्मीद करेंगे कि विजयी होने के बाद जो ये वादे इन्होंने किए हैं उस पर ये खरा उतरेंगी, और हमें गर्व हुआ कि हमने एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट चुना। धन्यवाद। हम एक बुज़ुर्ग से और बात करेंगे, क्योंकि बुज़ुर्गों के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। बुज़ुर्गों की देख रेख में ही बच्चे सही तरीके से चल पाते हैं, और भाईचारा किसी तरह का रोड़ा ना हो तो उसमें सबसे अहम रोल होता है बुज़ुर्गों का। तो आप किस तरह से अपने साथी को लेकर चल रहे हैं, अपने बेटे को किस तरह से लेकर चल रहे हैं कि भाईचारा न बिगड़े और चुनाव भी हो जाए? ठीक चल रहे हैं। ये बढ़िया पंचायती आदमी है। अच्छा। इसके डिसीजन बढ़िया है जी। किसी एक का पक्ष के नहीं है जी, निर्णायक आदमी है। परिवार अच्छा है, व्यवहार मेरा ही परिवार है। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, दूसरे से बात कर लेंगे। सर ताऊ जी, आप क्या कहना चाहेंगे सुधीर भाई और जो हमारी माता जी हैं मूर्ति देवी जी, कैसा परिवार है, किस तरह का? यूँ भाई, मेरा परिवार है, और पहले सारी बात इस पर कू आए के भाई, किसी में दुबई से नहीं रहना चाहिए, सब भाई मिल के रहें और सुथरे काम करने हैं। इन्हें होटली बला कका आगे कोई गलती नहीं होगी, और मिल के चलूँगा पूरा काम कर। अच्छा। हाँ, आज हमने तो दिवाली पर की खुशी हुई है। अगर ये आज जीत के फिर ये भूल जाए चीज़ों को, गाँव का विकास की बात आए या किसी बात की, तो आप कान पकड़ के इनका करवाओगे? खूब करवाऊँगा। यह मैंने मेरी बापी पटवा ली। अच्छा, यू दूर है। मैं तो नाइट गया था, मैं बहू का फार्म कौन बन दू भाई। मेरी भाभी का बनवाऊंगा, उस गलत लड़ भी लूंगा और कह भी लूंगा। जी मारा कदे वास्ता ही नहीं पटा बुआ गला बोलने का जी। ठीक बात, ठीक बात। हाँ, तो ये नहीं कि आपकी आज कवरेज करने आए हैं, कहीं आप भी भूल जाओ इनके साथ साथ, फिर हम खड़े होंगे यहाँ पे। ना ना ना, कोई भूल नहीं होगी भाई, सूत्रे काम कराएंगे। ठीक है, प्रेम कराएंगे काम कर सूत्र। ठीक है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे गांव के कुछ मौजूद आदमी भी यहाँ पे मौजूद हैं, और सुधीर का परिवार भी यहाँ पे मौजूद है, और गाँव बवाना के अंदर एक अच्छा व्यवहार यहाँ पे बताया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि इलेक्शन का जो क्रेडिट है, इलेक्शन का जो श्रेय है, जीत का श्रेय ताज, वो किसके सिर पर सजता है। तो इसी तरह से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। मैं अनिल ढांडा, एकेडमी न्यूज़, जिंद।